हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम हंटिंग टू द गैदरिंग फूड। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे ह्यूमंस ने फायर का इन्वेंशन कर लिया था, व्हील का इन्वेंशन कर लिया था। इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन इन्वेंशन करा, वो करा था किसका, मिट्टी से बर्तन बनाने का। अब वो जो बर्तन थे, इन्होंने जैसे उसको बनाया उसके ढेर सारे इनको फ़ायदे मिलने लगे थे। इसको बोलते हैं इन्वेंशन ना पॉटरी। इम्पोर्टेंट क्यों था, लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना जो है अलग अलग आकार के, अलग अलग तरीके के हाथ से बनाना सीख लिया था। और उसको बनाने के बाद क्या करते थे, तो उसको बेक कर देते थे फायर में, आग जला करके उसमें मिट्टी के बर्तन बनाए, उसके दिए बनाए, उसकी थालियाँ बनाई, उसके कटोरे बनाए, और वो बना करके उसको आग में क्या करते थे, सेक देते थे। सेकने से क्या होता था कि उसकी मजबूती जो थी वो बढ़ जाती थी। जो मिट्टी के बर्तन थे वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे पॉटर्स व्हील्स का। आप कुम्हार के वहाँ कभी गए होंगे, आपने ये देखा होगा जो पॉटर्स व्हील्स होते हैं, कैसे वो हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और डिफरेंट शेप के, अलग अलग आकार के, अलग अलग साइजों के वो चीज़ें ये बनाते हैं। ये हमें मिले कहाँ से हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ज़मीन की खुदाई करवा रहे थे तो उनको जो है ज़मीन के अंदर से ढेर सारे अर्थन पॉट्स मिले थे, कि जो जो पॉट्स थे ये बर्तन थे, इनके टूटे हुए भाग जो ज़मीन के अंदर से मिले थे। और ये जो है इसमें से कुछ जो थे डेकोरेटेड थे। डेकोरेटेड का मतलब मान लीजिए कि ये जो है इन्होंने मिट्टी की सुराही बनाई है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये क्या करते थे, फूल पत्ती अगर अगर चीज़ें बना लेते थे, और इसका इस्तेमाल करते थे ढेर सारी चीज़ों को रखने के लिए। जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूँ बनाए, बार्ली हो गया या कोई फ्रूट्स हो गया, उसको रखने के लिए, वाटर को कंजर्व करके रखने के लिए, पानी को स्टोर करके उसमें रखते थे। तो ढेर सारी चीज़ों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जब खाना पकाते थे तो खाना पकाने के लिए भी, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसको इस्तेमाल करने के, इसको पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन में उसको रख करके पकाते थे, आग पे रख करके। तो ये तीन चार चीज़ें फ़ायदे थी। पहला चीज़ अनाज को रखने के लिए, जो ग्रेन्स होते थे उसको इन पॉट्स में रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि जो अनाज था, जो ग्रेन्स थे, उसको पका के खाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको, फार्मर्स जो लोग वहाँ के फार्मिंग करते थे या हार्डर्स थे, पशुओं को चराते, तो उनके बारे में कैसे उनको पता चलती है, उनके बारे में पता चलती है उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों के द्वारा, उनके द्वारा छोड़े गए ट्रेसेस के द्वारा। ये जो ट्रेसेस है, कौन कौन से ट्रेसेस मिलेंगे, जो पॉटरी, वो लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसके पॉटरी आज अवशेष हमको ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। पीट हाउसेस जिन घरों में रहते थे, ये ज़मीन में क्या करते थे, गड्ढे खोद करके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी जानवरों से बच करने के लिए, जानवर यहाँ ज़मीन साफ करते थे जंगल में, और यहाँ क्या करते थे, मिट्टी खोदा और यहाँ पे घर बना लिया, गड्ढा कर दिया, पूरी मिट्टी निकाल दिया, फिर से उसको मिट्टी को गीला करके इसकी लिपाई कर देते थे। उसके बाद में बांस को काट करके, ला ला करके उसकी वो पटरी बना लेते थे, पटरी टाइप में उन्हें बिछा देते थे, और ऊपर से इसका जो रूफ टॉप बना देते थे, बांस की लकड़ी का रूफ टॉप बना करके इसके ऊपर जो है सूखी पत्तियाँ होती थी छिड़क देते थे। ये ऐसा क्यों करते थे कि जो जानवर हैं इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और सर्दी गर्मी बारिश से बचने के लिए आराम से इसके अंदर में रहते थे। दिन भर शिकार करना हो गया, खेती करना होगा, दिन में किए रात के टाइम में अंदर आ जाते थे, इसी को बोलते थे पीट हाउस। ये जो टूल्स इस्तेमाल करते थे, हमने देखा था कि स्टोन्स के डिफरेंट टाइप्स के टूल इस्तेमाल करते थे। अब इसका इस्तेमाल करके ये अगर गुफाओं में रहते थे, ये पेंटिंग्स बनाते थे, जो दीवार होती थी। अब वो किसके बारे में पेंटिंग्स बनाते थे, तो डेली लाइफ के बारे में, कि गए खेत एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे दौड़ा करके, तो उसकी सारी पेंटिंग्स जो है दीवार पे बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक गुफा है, उसको बोलते हैं बाघ की गुफा, केव है। और मध्य महाराष्ट्र में दो गुफाएं हैं, एक का नाम है एलोरा, दूसरे का नाम एलिफेंटा। इन गुफाओं में जाएंगे तो इन्होंने दीवार पे ऐसी सारी ढेर सारी पेंटिंग जो है बना के रखी है, जो आज भी मौजूद है। और ऐसी ढेर सारे जो ट्रेसेस, ये जो औजार हमको दो जगह में मिलती हैं, एक मिलता है हमको मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, बुरजोम पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये जो ट्रेसेस हैं, ट्रेसेस का मतलब क्या खाते थे, क्या पीते थे, मिट्टी के बर्तन हो गए, उनके औजार हो गए, इन जगहों से हमको मिले हैं। उसके बाद में कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो ये क्या करते थे ना, जब पत्थर का जो औजार इस्तेमाल करते थे, जो उनके टूल्स इस्तेमाल करते थे,
धीरे धीरे वो टूल किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। कॉपर का ये क्या करने लगे, इस टूल से इस्तेमाल करने। अब कॉपर का जो टूल होता था वो हल्का भी होता था, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस ज़माने में लोग जो है पत्थर का औजार, पत्थर के टूल्स भी इस्तेमाल करते थे और कॉपर के भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब दो जगह हमने पढ़ा था मेहरगढ़ के बारे में, तो इसको देखते हैं। मेहरगढ़ जो है ये पड़ता है आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये इंडिया है अपना, ठीक है, ये आपका गुजरात वाला इलाका, और ये जो पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान में एक नदी बहती है इंडस रिवर, इंडस रिवर, तो उसके तट पे, उसके जो उसका जो कोस्ट है वहाँ पे जगह पड़ता है मेहरगढ़। और चूंकि कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में और वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है मेहरगढ़। यहाँ पे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हुआ करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो अभी पाकिस्तान में। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन का मतलब ये वही सबसे पुराना जगह है जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग जो है किसी ज़माने में रहा करते थे। यहाँ पे हमको एविडेंस, ये वही जगह है यानी मेहरगढ़ की बात हो रही है, कि यहाँ जानवरों को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, यानी जानवरों को जंगल से पकड़ करके लोगों ने उसको घर में बांधना शुरू कर दिया। और उनकी क्या, कब किया ये ऐसा काम, 7000 साल पहले, 7000 BC में, 7000 BC में, ये 7000 BC से ही उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कहाँ, मेहरगढ़ में। और ये वही प्लेस है, प्रॉब्ली यही प्लेस है जहाँ पे मेन और वुमेन्स ने, महिला और पुरुष ने ये सीखा कि बार्ली और व्हीट को उगाते कैसे हैं। बार्ली और व्हीट ऐसी दो फसलें थी, ऐसे दो क्रॉप्स थे जो सबसे पहले उगाई गई थी, और सीप और गोट दो ऐसे जानवर थे जिनको सबसे पहले पालतू बनाया गया था इस एरिया में। और इंडिया की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट विलेज, आप भी विलेज में रहते होंगे या सिटी में रहते होंगे, तो ये विलेज इतने पुराने नहीं हैं। जो सबसे ज़्यादा पुराने कौन था, मेहरगढ़, तो ये सबसे अर्लीस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इन जगहों से हमको ग्रेन्स मिले हैं, जब इन जगहों की खुदाई हुई जमीन के नीचे से, तो वो उस जमाने के दाने, गेहूं के दाने, बाजरे के दाने, वो जो है जमीन पे मिले थे। बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ मिली उन जगहों से जब खुदाई हुई तो, और उन हड्डियों को जब पता लगाया गया तो उनकी कार्बन डेटिंग की गई, तो पता लगा कि हाँ इतने साल पहले का है और इस जानवर का है। तो इसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हाँ इनको, इन्होंने जो है ऐसी ऐसी जानवरों को पाला और ये फसलें जो है उगाते थे। इनके वहाँ के जो घर थे, किस प्रकार के घर, इनके वहाँ के जो घर थे वो स्क्वायर साइज में होते थे, नहीं तो रेक्टेंगुलर साइज में होते थे। हर एक जो इनका जो घर था वो क्या होता था कि उसमें कम से कम 4 कमरे होते थे, और 4 से ज़्यादा होते थे जिसका इस्तेमाल वो स्टोरेज करने के लिए करते थे। कि जैसे ये जो है एक घर हो गया, और घर में 4 कमरे हो गए, और 4 कमरे यानी बेडरूम टाइप में होते थे। बीच में एक आंगन होता था जहाँ कुआं होता था, कुएं में पानी भरते थे, और साइड में क्या होता था कि साइड में एक स्टोर रूम होता था जहाँ पे कोई भी इनके एक्स्ट्रा सामान उसको रखने के इस्तेमाल करते थे। ये मेहरगढ़ के घर का स्टाइल था। हमने बुर्जहोम का देखा था, बुर्जहोम में लोग कहाँ रहते थे, पिट हाउसेस में रहते थे, जमीन में गड्ढे करके वो रहते थे। लेकिन यहाँ के लोग जो है, इनके घरों की साइज स्क्वायर थी और रेक्टेंगुलर साइज में। और यहाँ पे बहुत सारे ब्यूरियल साइट्स भी मिली है। ब्यूरियल साइट्स का मतलब होता है कब्रगाह, जहाँ लोगों को मरने के बाद में क्या किया, दफनाया जाता है, ब्यूरिट कर दिया जाता है जमीन के अंदर में। और जब इन ब्यूरियल्स को खोदा गया तो पता लगा कि इसके साथ में ये जानवरों को भी उसके साथ में क्या करते थे, दफना देते थे। जैसे एक ब्यूरियल्स को ओपन किया गया तो वहाँ एक ह्यूमन स्केल्टन मिला, उसके साथ में एक बकरी गोट का भी स्केल्टन मिला था। ये दो चीज़ें मिली थी। मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद भी एक दूसरी दुनिया में जाता है। वो दूसरी दुनिया में जाने के टाइम में उसको भूख लगेगी तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो कब्र में ही करके रख देते थे, इसीलिए जानवर की रखी जाती थी। ये हो गई बात किसी नॉर्थ वेस्टर्न साइड के। चलते नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट फिर से इंडिया का मैप ऐसे, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला इलाका हो गया। नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाके में क्या होते थे कि मणिपुर, त्रिपुरा और गारो हिल्स में भी खुदाइयाँ हुई, तो यहाँ पे एक नियोलिथिक साइट मिला। नियोलिथिक साइट का मतलब ये वही साइट था जब पत्थर के औजार जो है बहुत ज़्यादा नुकीले हो चुके थे, बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके थे आकार में। तो असम में दाओजी हैडिंग नाम की जगह से ऐसी औजारें मिली, ठीक है।
और यहाँ की स्टोन्स की क्या खास बात थी कि इनके जो स्टोन के वहाँ जार्स होते थे या पॉलिश्ड हुआ करते थे, इन पे पॉलिशिंग की गई होती थी। और किचन के कुछ आइटम्स मिले हैं किचन में, जैसे कलछी, बटला हो गया, लोटे हो गए, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी ये भी यहाँ से मिली हैं। एक स्टोन होता है जो केवल चाइना चाइना में पाया जाता है, ये स्टोन भी जो है जिसका नाम था जेडाइट, ये जेडाइट जो ईट है चाइना से जो होता था ये यहाँ पे पाया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना से उस टाइम लोग जो है आना जाना होता था इनका, चाइना में ट्रैवलिंग करते थे। और इनके जो टूल्स थे जो फॉसिल वुड्स के बने होते थे, ठीक है ना, जो स्टोन्स को क्या करते थे, स्टोन्स को पीस करके क्रश करके उसको बनाते थे, फॉसिल्स वुड बनाते थे, ये भी यहाँ से हमको मिले हैं। ढेर सारी उनके पॉटरीज मिले हैं, ढेर सारी चीज़ें मिली हैं। ओके, तो यही चैप्टर एंड होता है। ओके, थैंक यू।